आइए सबसे पहले इस मंच पर जो कलाकार हरिया उदित के पिता अविनाश सिंह, हरिया उदित के पिता अविनाश सिंह, बद्री किसान मोहम्मद माजिद, रामचरण किसान मुदस्सिर अंसारी, उदित फौजी देवेश अस्थाना, मनोज किसान की भूमिका कर रहे थे विनय वर्मा, विनायक वर्मा, विशाल की भूमिका में थे दरोगा रजत शर्मा, उदित की माँ का किरदार निभा रही थी किरण पटेल, उदित की बहन का किरदार निभा रही थी सोनिया, तुखीलाल पिता आशीष दीक्षित, खुशी राम बेटा उपेंद्र कुमार, चिराग बहादुर हवलदार रवि श्रीवास्तव शान, सूरज सिंह सिपाही गुलजार सिंह, बुधिया पीड़ित व्यक्ति सचिन मौर्य, मुखिया प्रभु ज्ञानेश शुक्ला, मुखिया का बेटा शारिक अहमद, ये मंच पर किरदार थे। मंच के परे जिन लोगों ने इस नाटक को अपना सहयोग दिया उसमें म्यूजिक रवि श्रीवास्तव शान का था, लाइट कमाल घोष साहब की थी, एक बार जोरदार तालियां हमारे बहुत ही सीनियर हैं, मेकअप शहीद अहमद का था बहुत ज़बरदस्त, प्रोडक्शन आज़ाद थिएटर लखनऊ, कॉस्ट्यूम सह निर्देशक विनीता सिंह, लेखक एम के अख्तर, निर्देशक मोहम्मद फुजैल, विशेष आभार रहमान खान, और आज के इस नाटक की धरती माँ और सह निर्देशिका विनीता सिंह। अब आइए भारत माता कीजिए, आइए आगे जी विनीता जी। हाँ ये विनीता सिंह हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ कमाल अख्तर साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो इसके राइटर हैं, और फुजैल को बुलाना चाहूँगा जो डायरेक्टर्स के हैं, और साथ ही साथ पंकज चौहान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, रहमान साहब आप भी, इदरीस भाई आप भी, और जनाब कृष्ण पटेल सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पे तशरीफ लाएं। कृष्ण पटेल जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, सुर संगम ग्रुप, सुर संगम कला ग्रुप से आपका का ताल्लुक है, अभी यहाँ पर है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने गाया था, पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छी थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कृष्ण जी से गुजारिश करूँगा कि वो दो लाइनें या दो पंक्तियाँ या दो मिसरे किसी भी गाने के अगर आज के इस माहौल पर हो, धरती पर, तो बेहतर हो। कृष्ण पटेल जी, कृष्ण जी हैं यहाँ पर, नहीं हैं, हैं मौजूद हैं, कोई भी दो लाइनें या मुखड़ा, अब आप मुखड़ा गाएंगे, अब ऑडियंस को अगर अच्छा लगे तो मैं अंतरे की फरमाइश आप कर दीजिएगा, मैं सिर्फ मुखड़े के लिए कि आज के इस मौके पर कुछ आपकी आवाज़ में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माई प्लेजर टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और इतना बेहतरीन प्रस्तुति हुई, मैं तो इमोशनल हो गया था, थोड़ा सा आँख में आंसू आ गए थे। तो पहली बात तो मैं ढेर सारी बधाई आज़ाद थिएटर को और पूरी टीम को पूरी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, फैजल जी जो इन्होंने इन्वाइट किया, विनीता जी हैं जिन्होंने इस बात को रखा कि बेहतरीन अवसर है, और मैंने कहा जरूर है। मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ में ऐसे थिएटर में मतलब यहाँ पर आया, और बहुत मतलब इतनी गहराई से उन्होंने अपने सभी लोगों ने अभिनय का परिचय दिया। तो जहाँ तक है मेरी सिंगिंग है तो मैं गाता हूँ और संगम कला ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, और पूरे यूपी से प्रतिभाशील बच्चों को मैं आगे भी भेज रहा हूँ, दिल्ली, दिल्ली से मुंबई,
और जहाँ तक सिंगिंग के ताल्लुकात हैं, मैं गा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा ही करूँ। एक छोटी सी कोशिश थी, इंडियन आइडल में मैंने प्रयास किया था, तो जहाँ तक मैं पहुँचा था, मुंबई तक पहुँचा था, वो सफ़र था। सफ़र आज भी जारी है और सीखना आज भी जारी है, और कोशिश यही कि अच्छा ही से अच्छा हो। तो एक सॉन्ग आपको सुनाते हैं, और अगर ट्रैक तैयार हो तो प्लीज़ प्ले करें। मेरे सभी आए हुए प्यारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ पर आए और आपने हमारी जो हौसला अफजाई की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम लोगों ने ये बहुत कम समय में ये वाला नाटक तैयार किया, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगी अपने डायरेक्टर साहब फुजैल अख्तर जी का, जिन्होंने मतलब ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि हाँ मतलब हो जाएगा ये। वो हमेशा कहते रहे नहीं, मेरे को कभी कभी लगता था यार कैसे होगा इतने कम टाइम में, पर उन्होंने हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, फिर भी उन्होंने जो है इसमें अपना 100% दिया, और आपके सामने हमने जैसा भी अच्छा बुरा जो भी हमने आपके सामने पेश किया, वो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इतनी अच्छी जो कहानी लिखी थी वो हमारे कमाल अख्तर साहब ने लिखी थी, और रहमान सर ने आकर के हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ाया, हमें बताया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये सही रहेगा। तो उनका भी मैं विशेष आभार है, तो उनका भी उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं आपके, धर्मशील जी, रहमान जी और पंकज जी, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इदरीस जी आए हुए हैं, और पहले ये हमारे साथ में करने वाले थे, पर किसी वजह से इनकी कुछ परेशानियाँ थी तो ये नहीं कर पाए। खैर, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, और उम्मीद है आगे भी आप लोग पसंद करेंगे। हमारा आज़ाद थिएटर है तो वो लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, और ये इसका तीसरा पे है। पहला था आपका मासूम कली, और दूसरा था टूटे पत्ते, और तीसरा ये आपके सामने धरती जो आज पेश हुआ। आगे और भी प्ले होने वाले हैं, जल्दी हो सकता है हम लखनऊ महोत्सव में भी करें, और इसके अलावा उससे पहले भी उम्मीद है कोई प्ले हो। अब मैं कृष्णा जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी यहाँ पर मधुर सी आवाज़ हमें सुनाए। आज उनको हम लोगों ने विशेष आमंत्रण दिया था कि आप आइएगा और ज़रूर हमें भी अपने गीतों से रूबरू कराइएगा, तो गीतों तो नहीं, एक गीत वो गाएंगे, वो सब आपके सामने प्रस्तुत है। तो लीजिए कृष्णा पटेल जी, आइए आप। रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। और दो लाइन एक देशभक्ति गाना है, मैं उन सब उन लोगों के लिए, और हम जो देश के लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारे देश में सबसे बड़ी लड़ाई है भ्रष्टाचार है, उसके लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं, और हम लोग पूरे देश के सभी लोगों को उसे लड़ना भी है। और ये सॉन्ग दोनों तरफ ये बताता है कि हमारे देश में जो हमारे देश की सुरक्षा में जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, और उनके लिए है सॉन्ग है, और हमारी जो अंदरूनी समस्याएं हैं उसके लिए भी है। दो लाइन बस। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैन अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए
संभालो यारो, एक तरफ प्यार है चाहत है वफादारी है, एक तरफ देश में धोखा है गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब बुझ बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हो रहा चैनो अमन हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गीत सुनाए। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। अब तो अपनी आँख खोलिए, मुश्किलों में वतन है, और आप सब जो है वो खोइए, और खुदा के वास्ते, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, वाहेगुरु के लिए एक हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पर रोने वाला ही कोई और ना हो। इसलिए हंस कर जिंदगी गुजार दीजिए, एक साथ मिलकर गुजार दीजिए, एक दूसरे के हाथ में हाथ दीजिए, और जो सियासत ये कहती है हिंदू या मुसलमान हमें बांटने की कोशिश करे उसके मुंह पर वही जूता मारिएगा जो जॉर्ज बुश का मारा गया था, तो उसकी अकल ठिकाने आएगी, तभी ये बात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। वरना इस तरह के देशभक्ति के जो नारे हैं इनका मजाक बनता रहेगा, ये तराने जो हमारे देशभक्ति के हैं इनका मजाक बनता रहेगा। बराए करम मेहरबानी खानों में बटिए, एक साथ होइए, सिर्फ हिंदुस्तानी बनिए, हिंदू या मुसलमान मत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले नाटक तक हम आप इंतजार की, कमाल अख्तर साहब की कलम फिर तैयार होगी इंशाल्लाह, एक नाटक और निकलेगा, फजल अख्तर फिर उसे डायरेक्ट करेंगे, और फिर एक बार ये कलाकार इस मंच पर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद मंच।